रमजान का मुबारक महीना चल रहा है, वहीं राजधानी में रोजा इफ्तार का जगह जगह कार्यक्रम चल रहा है, जिसको लेकर आज किन्नर समाज द्वारा, हाँ जी किन्नर समाज द्वारा, लखनऊ डालीगंज मछली मंडी के पास गुड्डन किन्नर ने रोजा इफ्तार का इंतजाम किया, जहां सैकड़ों की तादाद में रोजेदारों ने रोजा इफ्तार किया, जिसके बाद गुड्डन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रमजान का मुबारक महीना है, जिसको देखते हुए सभी धर्म के लोग रोजा इफ्तार का आयोजन कराते हैं। हम लोग गंगा जमुनी तहजीब के लोग हैं और हम लोग हिंदू मुसलमान सब एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनने पर गुड्डन किन्नर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद दी और भारतीय जनता पार्टी से अपील की कि प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास वाली बात पर अमल रहें और उसी पर पार्टी को आगे ले जाएं। किन्नर डालीगंज मछली मंडी से बोल रही हूँ और मैं एक संदेश देना चाहती हूँ, ये एक रोजा अफ्तार के जरिए ये जो हमारी मोदी सरकार है जो बनी, पहले तो उनको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं हम सब किन्नर समाज की, जो मोदी सरकार बहुत भारी बहुमत से विजय हुई उनको हम लोग बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं। और ये हम लोग बताना चाहते हैं कि हमारे जो लोग समाज में गंदे लोग हैं तो सरकार को गलत साबित करना चाहते हैं बीजेपी को, तो बीजेपी बहुत अच्छी हिंदू मुस्लिम मुस्लिम एकता को बनाया आज तक, उन्होंने जो भी काम किया बहुत अच्छा किया। और मैं डालीगंज मछली मंडी से गुड्डन किन्नर बोल रही हूँ, जो मैं एक सुख और समृद्धि और समाज के लिए बहुत अच्छा संदेश देना चाहती हूँ कि हमारा हिंदुस्तान, हमारा यूपी, हमारा जितना भी अखंड भारत है, हिंदू मुस्लिम एकता से जीता रहा है, जीता है और जीता रहेगा। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। रोजे के बारे में, रोज़ा हम लोग इसलिए रोज़ा अवतार करा रहे हैं कि हमारा किन्नर समाज ये एक शांति का और सुख शांति और संदेश देना चाहते हैं हम लोग समाज को कि हम लोग भी भूखे रह करके और समाज के लिए दुआ कर सकते हैं, तो समाज क्यों नहीं हमारे लिए तपस्या कर सकता है। इसलिए हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं और सभी के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए हम लोगों ने ये एक रोजा अफ्तार की पार्टी रखी है, हिंदू मुस्लिम सब। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे Alive 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।